हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल बार के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं रियलमी 12 प्रो प्लस और रेडमी नोट 13 प्रो प्लस के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं, तो देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है वो बेस्ट निकल के आता है। वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ़ोन बेस्ट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और टेक्निकल बार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्टिंग करते हैं इसके लुक्स को लेकर। तो यहाँ पर आपको दोनों ही फ़ोन के अंदर जो है लुक बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, पर रियलमी के अंदर आपको वीगन लेदर देखने को मिल जाती है और रेडमी के अंदर आपको पीछे ग्लास बैक देखने को मिलती है। दोनों ही फ़ोन जो है वो कर्व डिस्प्ले के साथ आते हैं। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे रियलमी 12 प्रो प्लस का जो लुक है वो अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि ये बाकी सारे फ़ोन से थोड़ा अलग है और प्रीमियम लुक लगता है, तो मुझे रियलमी का लुक थोड़ा अच्छा लगता है। तो बात करते हैं आप दोनों ही फ़ोन के कैमरे के बारे में। तो दोनों ही फ़ोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। रियलमी के अंदर लगता है कि चार कैमरा है, पर वो चार कैमरे नहीं है, वो तीन ही कैमरा का सेटअप है। तो रेडमी की बात करें तो इसके अंदर आपको 200 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, वहीं पर 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल्स का माइक्रो कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि हालांकि कुछ ज़्यादा कुछ खास काम का है नहीं। वहीं पर रियलमी के अंदर आपको 15 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा और 64 मेगापिक्सल्स का पेरिस्कोपिक टेलीफोटो देखने को मिलता है, जो कि 3x तक का ऑप्टिकल जूम कर सकता है और 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरे के बारे में तो दोनों ही फ़ोन में से रियलमी बेटर है, क्योंकि इसके अंदर आपको पेरिस्कोपिक टेलीफोटो का लेंस देखने को मिल जाता है, वहीं पर सोनी का IMX890 देखने को मिलता है। तो कैमरा जो है वो रियलमी का बहुत अच्छा है। तो आप सेल्फी कैमरे की बात करें तो रेडमी के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल्स का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, वहीं पर रियलमी के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल्स का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। तो सेल्फी कैमरे में भी रियलमी बहुत अच्छा है। तो मेरे अभी तक के 3 पॉइंट जो है वो रियलमी को ही जाते हैं, क्योंकि लुक्स वाइज भी वो बहुत अच्छा है और कैमरे में बैक कैमरा भी उसका बहुत अच्छा है और सेल्फी कैमरा भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले के अंदर आपको रेडमी के अंदर आपको 6.6 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेशिंग रेट के साथ आती है, और रियलमी के अंदर आपको 6.7 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेशिंग रेट के साथ आती है, पर रेडमी के अंदर आपको 68 बिलियन कलर देखने को मिलेंगे स्क्रीन के अंदर, पर रियलमी के अंदर आपको 1 बिलियन कलर ही देखने को मिलेंगे। तो कलर के मामले में जो है रेडमी की डिस्प्ले जो है बहुत अच्छी है, वहीं पर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आपकी जो कॉन्टेंट वॉचिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो डिस्प्ले वाला पॉइंट जो है वो रेडमी को जाता है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी को लेकर। तो दोनों ही फ़ोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि ये वाला पॉइंट जो है वो दोनों को सेम ही जाता है। पर मैं बात करने वाला हूँ इसके चार्जिंग को लेके। तो रेडमी के अंदर आपको 120 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि 0 से 100 आपको सिर्फ 19 मिनट में चार्ज करके दे देता है, और वहीं पर रियलमी के अंदर आपको 67 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि 0 से 50% सिर्फ आपको 19 मिनट में करके देता है। तो फिर मैं चार्जिंग वाला पॉइंट जो है वो रेडमी को देना चाहूँगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फास्ट चार्जर कर देता है। अब बात करते हैं, पर उससे पहले मुझे पता है आप किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, तो प्रोसेसर को लेके आप सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं इस बार। तो इन दोनों ही फ़ोन के अंदर आपको रेडमी के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 देखने को मिलता है, जो कि 4nm पर बेस है, और वहीं पर रियलमी के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। रेडमी के प्रोसेसर के अंतुतु स्कोर की बात करें तो वो 7,22,000 के आसपास निकल के आता है, और रियलमी के अंदर जो प्रोसेसर है उसके अंतुतु स्कोर तकरीबन 5,77,000 के आसपास निकल के आता है। तो अंतुतु स्कोर के हिसाब से जो रेडमी का प्रोसेसर है वो ज़्यादा ही अच्छा है, तो ये प्रोसेसर वाला पॉइंट जो है वो मैं रेडमी को देना चाहूँगा। तो अब लास्ट में बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो रेडमी में जो है वो आपको 8GB प्लस 256 वाला वेरिएंट बेस वेरिएंट है, जो इससे नीचे वाला वेरिएंट नहीं मिलता है इसके अंदर, तो उसकी प्राइसिंग जो है 39,999 निकल के आती है। पर रियलमी के अंदर बेस वेरिएंट जो है वो 8GB 128GB वाला है, पर कंपैरिजन करने के लिए हम 8GB प्लस 256 वाला वेरिएंट जो है वो लेते हैं, तो उसकी प्राइसिंग जो है वो 31,999 ही निकल के आती है। तो दोनों के जो सेम वेरिएंट है उनकी प्राइसिंग जो है वो सेम निकल के आती है। तो ये दोनों का पॉइंट भी जो है वो दोनों ही फ़ोन्स को जाता है। पर अगर आप लेना चाहें तो 8GB 128GB रियलमी वाला जो है वो आप 29,999 के अंदर ले सकते हैं। तो आप वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगता है, और बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और टेक्निकल बार को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।